नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी जश्न मना रही है और उधर कांग्रेस मोदी सरकार के 9 साल की वादा खिलाफियों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। आज पी चिदंबरम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पहुंचे थे मुंबई, वहां पर उन्होंने मोदी सरकार के खिलाफ आरोप पत्र ये जारी किया और इसी दौरान बात उठी विपक्षी एकता की। सवाल किए गए उनसे तो नीतीश कुमार जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जेडीयू के नेता हैं, उन्होंने फॉर्मूला दिया था पिछले दिनों, उस पे वो सहमत होते हुए दिखाई दिए। आखिरकार क्या है नीतीश कुमार का फॉर्मूला जिसकी वजह से कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार मोदी को घेरा जा सकता है? तो आपको बता दें कि पिछले दिनों जब नीतीश कुमार आए थे दिल्ली और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी से मिले थे तो उन्होंने वह एक के आगे एक यानी कि एक के खिलाफ एक ही कैंडिडेट लड़ाने का फॉर्मूला दिया था कि एनडीए या बीजेपी की तरफ से यदि जो कोई कैंडिडेट उतरता है उसके खिलाफ पूरा विपक्ष मिलकर के एक कैंडिडेट उतारे तो मोदी को हराया जा सकता है। पी चिदंबरम भी इस बात को मानते हैं कि यदि ऐसा हो जाए बहुत अच्छा। इसी सिलसिले में 12 जून को विपक्षी दलों की मीटिंग होने जा रही है पटना में, जिसको लेकर के विपक्ष काफी उत्साहित है कि इसमें कोई ना कोई फार्मूला निकल जाएगा। लोकसभा की 543 सीटों में से 474 ऐसी सीटें हैं जहां पे कि ये फार्मूला लागू हो सकता है और उसमें कांग्रेस के हिस्से आने वाली सीटें 242 से 244 हो सकती है, यानी कि बाकी सीटें अन्य क्षेत्रीय दलों के पास चली जाएंगी और 242-44 पे कांग्रेस लड़ेगी और सब मिलकर के बीजेपी या एनडीए के एक कैंडिडेट के खिलाफ एक कैंडिडेट को लड़ाने की योजना बनाएंगे। दिक्कत इसमें सिर्फ वहां पे आ रही है कि जिन राज्यों में कांग्रेस का क्षेत्रीय दलों से इंटरेस्ट टकरा रहा है, जैसे कि दिल्ली, पंजाब, यहाँ पे आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इन दिनों अध्यादेश के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए देश भर में दौरा कर रहे थे। कांग्रेस नेता से भी उन्होंने समय मांगा था, समय नहीं मिला, डिफरेंसेज है। ठीक इसी तरीके से केसीआर के चंद्रशेखर राव बीआरएस प्रमुख तेलंगाना के मुख्यमंत्री, उनके साथ भी कांग्रेस के डिफरेंसेज है क्योंकि तेलंगाना में कांग्रेस की उनसे लड़ाई है। ऐसी जगहों पर इंटरेस्ट टकरा रहे हैं। देखते ये हैं कि जब ये 12 तारीख को मिलते हैं तो इसका क्या सोल्यूशन निकालते हैं। यूं भी विपक्ष के की विपक्षी एकता के बारे में बात तो की जाती है लेकिन जब उसे जमीन पर उतारने की बारी आती है तो बहुत सारी दिक्कतें आती है। डर उधर का है, लिहाजा विपक्ष की कोशिश होगी कि कोई ना कोई सोल्यूशन निकाले। इस पर हमारी नज़र रहेगी। रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।